हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो लेटेस्ट अपडेट क्या आ रही है, तो आप देख सकते हैं बीपीएससी का जो कि आपको 26/8 का इम्पोर्टेंट नोटिस है, और ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो 20 तारीख को एग्ज़ाम हुई थी उसका आंसर की है, जो कि आपको जारी हो गया है। तो इसको आप देख सकते हैं, और इसको आंसर है जो कि आप मिला सकते हैं। कट ऑफ है जो कि 100 से के आसपास में है जो कि रहेगा। तो आंसर की आपको जारी हो गया है, और मात्र जो कि 6 दिनों के अंदर ही जो कि जारी हो गया, सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी का। और ये जो है 20/8 को हुआ था, 4 ABCD में है, 26/8 से आयोग पर है जो मतलब प्रदर्शित कर दिया गया है। और ये जो है, अगर आपको कोई आपत्ति हो तो क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, औपबंधिक उत्तर, उम्मीदवार द्वारा हुए कुटपद में जो कि उत्तर क्या है, उम्मीदवार द्वारा सुझाया गया उत्तर, आपत्ति का आधार का स्रोत क्या है, इसके बारे में है जो कि आपको बताना है। तो ये जो है आपको जारी कर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इसका इसमें आंसर की अगर क्लिक करना है तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, चारों सेक्शन का है जो कि दिया हुआ है। तो ये चारों सेक्शन का जो कि आंसर किए जो कि जारी कर दिया गया है, और सबके क्वेश्चन बुकलेट नंबर के आधार पर ABCD। और ये 150 प्रश्न आए थे। अगर 150 में आपको 100 के आसपास आ रहे हैं, जनरल में है या कैटेगरी में है, तो आप समझ जाएं कि आपके रिजल्ट होने के चांसेस हैं। हालांकि सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी ये जो कि आपको रिजल्ट है जो कि 100 के आसपास में है, तो हो सकती है। उसके बाद आते हैं दूसरी जो अपडेट आई है, BSSC इंटर लेवल की आई है। तो BSSC इंटर लेवल की कहाँ से आई, तो गेट से आई है, सामान्य प्रशासन विभाग में, जो कि 30 का बहुत सारे लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे। 184 पोस्ट ही पोस्ट कोड है जो कि 30 का, 34 का तो निकल गया। तो ये आप नोटिस बोर्ड में जाकर भी है जो कि देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, और ये 37 पन्नों का है, इसको आप लोग भी है जो कि देखते। तो ये क्या क्या, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जो कि विभागों को जो कि जितनी याचना थी उतने लोगों को जो कि डिस्ट्रीब्यूट है जो कि कर दिया गया है। और इसको अप डाउनलोड हो रहा है। तो ये सारे विभागों को अगर देखेंगे तो इनकी पोस्टिंग कहाँ होगी। मान लीजिए ये राजस्व भूमि सुधार विभाग, आप सोच रहे होंगे राजस्व कर्मचारी की नियुक्ति हो गई, फिर ये लिपिक का कहाँ से आ गया। तो ये इनको जो है आपको टोटल 21 पद इन्होंने दिया था, और इनकी नियुक्ति जो है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत। और इनकी कहाँ पर होगी आखिर, क्या ये सिर्फ पटना में रहेंगे या उसके बाहर रहेंगे। तो इनका है जो कि ये जो है आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग है जो कि इसमें कर सकते हैं, और इनकी इच्छा पर है कि आपको पटना में रखेंगे या उसी तरह है जो कि प्रत्येक विभागों को दिया गया है। उद्योग विभाग बिहार पटना द्वारा है जो कि दिया गया है, और प्रधान सचिव उद्योग विभाग बिहार पटना को 19 मांगा गया था, 18 लोगों को अनुशंसा किया, लगभग जो कि सारे लोगों को किया गया है। उसी तरह मुख्य निर्वाचन विभाग का आया था याचना के अनुसार, एक तो एक दिया गया, तो 184 में 177 लोगों का जो कि दे दिया गया है, और उसी के अनुसार सबको दे दिया गया है निर्देश कि आपको क्या क्या चीज़ लेना है। PT, मेंस, क्रीमी लेयर, जाति, डोजियर, ये सब जो है भेजा जा रहा है, और आपको जो कि चरित्र सत्यापन अनुशंसित अभ्यर्थियों का जो कि अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों का है जो कि ये दिया जा रहा है। 15 दिनों के अंदर है जो कि सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों को यह निर्देश दिया था, कार्यालय आवंटन की तिथि से आगामी 15 दिनों के अंदर वे अपना योगदान निश्चित रूप से कर देंगे। योगदान नहीं करने की स्थिति में क्या होगा, वर्तमान अनुशंसा रद्द करने के नियमानुसार विचार किया जाएगा। और ये सामान्य प्रशासन विभाग जो है पोस्ट कोड ये 30 का है, और बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन सब है जो कि भेजा जा रहा है। तो ये जो है आपको आज जो कि फाइनली जारी हो गई। अब जो है कला संस्कृति जल संसाधन विभाग वाले है जो कि खासकर ज़्यादा है जो कि कोशिश कर रहे होंगे। तो ये 30 का जो कि पोस्ट कोड का जो कि फाइनली है जो कि निकल गया है।
अब आते हैं बिहार पुलिस फाइनल रिजल्ट का जो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट है वो आपकी रिजल्ट है जो कि तैयार हो गई है अप्रूवल के लिए, जो कि आपको गृह विभाग जा रही है फाइल है, जो कि गृह विभाग है जो कि जाएगी अगले सप्ताह एक दो दिनों में। तो उम्मीद है अब जो है ये आपका इंतज़ार है जो कि खत्म होगा, अगले सप्ताह है जो कि रिजल्ट है जो कि आपका फाइनली है जो कि जाए, क्योंकि रिजल्ट तैयार हो गई और अप्रूवल होने सिर्फ जाना है। तो निश्चित रूप से ये जो है आपको रिजल्ट बिहार पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट है वो अगले सप्ताह जारी हो जाएगा। उसके बाद फायरमैन का रिजल्ट परीक्षा होगी, 28 तारीख को परीक्षा है, उसके बाद है जो कि रिजल्ट है जो कि एक सप्ताह दो सप्ताह जो लगे समय, उसके बाद है जो कि फायरमैन का जो कि रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ये तीन अपडेट थे, बीपीएससी का असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का आंसर की जारी हो गया, गैड का जो कि 30 है जो कि जो पोस्ट कोड था उसका लिस्ट है जो कि आवंटन जारी हो गया, कि विभागों में ही दिया गया है, और ये उसके बाद जो है आपको बिहार पुलिस का फाइनल रिजल्ट है जो कि अगले सप्ताह आने वाला है। तो इसी के साथ धन्यवाद।